हेलो फ्रेंड्स, बेकिंग वर्ल्ड बाय छाया में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है मूंगफली से बनी हुई मिठाई। ये मिठाई मैंने कम से कम इंग्रेडिएंट में बनाई है। इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं ये मिठाई हमने कैसे बनाई है। मैंने यहाँ पे एक बाउल मूँगफली दाना लिया है, जिसे अब मैं रोस्ट कर रही हूँ। मूँगफली दाने को अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। इसे धीमी आँच पर हमें रोस्ट करना है, जब तक यहाँ ब्राउन ना हो जाए। देखिए, अब ये ब्राउन होने के बाद ठंडा होने देंगे, और ठंडे होने के बाद इसके हम छिलके निकाल के इसे मिक्सर से ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन में मैंने 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाला है। हमें उसी बाउल से शक्कर लेनी है जिस बाउल से आपने पीनट लिया था, और उसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसकी यहाँ पे एक तार चाशनी बनानी है। इस चाशनी को ओवर कुक नहीं करना है, इसीलिए आप इसे लो फ्लेम पर अच्छे से इसकी चाशनी बनाइए, मीडियम लो फ्लेम पर, और इसे सिर्फ 1 तार होने तक ही हमें बॉईल करना है। अगर हम इसे ओवर कुक करेंगे तो हमारी मिठाई एकदम ड्राई बनेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बार बार आपको इसे चेक करते रहना है कि 1 तार की चाशनी हो गई है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब यह मेरी चाशनी ऑलमोस्ट हो गई है। अब देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि यहाँ प्रॉपर 1 तार की चाशनी बनी है। देखिए, मेरे स्पून से जैसे तार निकल रहा है वैसे तार निकलना चाहिए। अब आप गैस एकदम स्लो फ्लेम पे कर दीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पीनट पाउडर बनाया था, मूंगफली का हमने जो पाउडर बनाया था वह हम इसमें डालेंगे। हम इसमें वह थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले 1/2 और फिर बाद में फिर 1/2, और हम इसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक यहाँ थोड़ा गाढ़ा ना बन जाए। इस पेस्ट को हमें तब तक हिलाते रहना है जब तक यहाँ पैन को चिपकना बंद ना कर दे और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। देखिए, अब हमारा पेस्ट एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट में घी ग्रीस कर लिया है, और इस पेस्ट को मैं अब इस प्लेट पर शिफ्ट कर दूँगी। इसमें पेस्ट पूरा डालने के बाद हम इसे थोड़ा देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके कट कर लेंगे, इसके पीसेस बना लेंगे। और इसमें मैंने इसको गार्निशिंग के लिए इसमें मैंने लगाई है सिल्वर फॉइल। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे क्विक, इजी और सिंपल, इजीली घर में बनने वाली स्वीट मिठाई, कम से कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली मिठाई रेडी है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और यह मिठाई बहुत टेस्टी और यमी लगती है। आप इस मिठाई को उपवास में भी खा सकते हैं, फास्टिंग के लिए भी स्पेशल यह मिठाई बनाई जाती है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।